अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद सी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्लाह के फजलो करम से। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ गर्मियों का स्पेशल वाटरमेलन का जूस, कलिंगड़ का जूस। तो चलिए मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहाँ मैं 3 से 4 गिलास बना रही हूँ, तो उसी के इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने वाटरमेलन को इस तरह से रफली चॉप किए हैं बींजों के साथ, क्योंकि हम जूस बनाने के बाद इसको छान के लेंगे। हाफ लेमन लिए हमने, लेमन बड़ा साइज़ का था इसलिए हमने हाफ लिए है। अगर छोटा साइज़ का है तो फुल लेना है। एक मुट्ठी भर के हमने मिंट लिए है, पुदीना, थोड़े से हमने लेमन की स्लाइस और कलिंगड़ लिए है इसको गार्निश के लिए। 3 टेबल स्पून शुगर है, 1/2 टीस्पून हमने लिए सॉल्ट, 1/2 टीस्पून है चाट मसाला, और थोड़े से ये आइस क्यूब है। शुगर हमने इसमें इसलिए ऐड किए क्योंकि हमारे जो वाटरमेलन था वो फीका था, स्वीट नहीं था, इसलिए हमने शुगर ऐड किए है। अगर आपको शुगर नहीं डालना है तो इसको स्किप कर सकते हो। तो सारी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। लेमन देखिए कितना ये जूसी लेमन है, इसलिए हमने हाफ डाले हैं। तो फ्रेश मिंट भी हमें फ्रेश ही लेना है, तभी हमारे जूस अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको गर्मियों में बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। तो चलिए इसमें मैंने मिंट भी डाल दी हूँ, थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे और इसको हम पीस के लेंगे। हमने जो कलिंगड़ लिए हैं इसको हमने बींज के साथ ही लिए है, क्योंकि हमें इसको बाद में छानेंगे, इसलिए हमने बींज के साथ ही इसको पीसे है। आप चाहो तो बिना इसको छाने हुए भी इसको पी सकते हैं। तो चलिए मैं इसको छान के लेती हूँ। तो देखिए हमारा मज़ेदार से वाटरमेलन जूस रेडी हो गया है। ये देखिए इसके सारे सीड्स वगैरह इस तरह से निकल जाएंगी और ये जूस हमारा इस तरह से रहेगा। तो यहाँ मैं ग्लास पे थोड़ा सा कलिंगड़ और लेमन से, वाटरमेलन से इसको गार्निश किया है। थोड़े से आइस क्यूब डाले हैं और थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे जूस। और जूस के ऊपर हम थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला से इसको गार्निश करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा ये जूस। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।